हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर ट्यूसडे। कल का दिन पहला दिन होगा, अक्टूबर के महीने का पहली तारीख होगी और बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों की एक्सपायरी भी होगी। और बाजारों में जिस तरीके के स्पेकुलेटिव मूव्स थे पिछले हफ्ते, अगर हम देखें तो मंथली एक्सपायरी पर, अब उसका रिवर्स इम्पैक्ट जो है देखने के लिए मिल रहा है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें और जिस तरीके से आज डेटा बने हैं और वॉल्यूम्स हैं जो कि एक्सपायरी वाले पीरियड्स नहीं हैं, मतलब एक्सपायरी डे वाले पीरियड्स के अलावा जब इतने वॉल्यूम के साथ अगर आप देख रहे हैं कि सेल ऑफ हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार का जो अगला पड़ाव है वो 25,600 है। निफ्टी का जो अगला पड़ाव है वो 25,600 और 25,200 के बीच में हमें नज़र आता है। तो बाजार 25,600 से 25,200 के बीच में जा सकता है, काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि 25,550 25,600 के पास अगर बाजार जाता है, कल के दिन एक्सपोर्ट लेनी चाहिए बाजार को वहाँ से, और हो सकता है कि सेकेंड हाफ के अंदर बाजार वहाँ से रिवर्स करे और एक अच्छे मूव्स नीचे से तेजी की तरफ आते हुए नजर आए। अगर बाजार ऊपर की तरफ खुलते हैं और अगर 26,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या 25,950 की तरफ, तो इस बात की भी अच्छी संभावना है कि अभी जो बुल्स हैं वो ट्रैप कर दिए हैं बाजार ने, तो वहाँ पर वैसे तो संभावना कम लग रही है, बट देखिएगा शेयर बाजार है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो 25,950 से 26,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेल ऑफ दोबारा से शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा फर्स्ट हाफ में हो गया तो फिर वो इंटेंसीफाई होगा सेकेंड हाफ में और फिर 25,600 तक के आंकड़े हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर 26,000 के ऊपर बाजार डिसाइसिवली ट्रेड करने लग गया आधा एक घंटा, तो फिर जो जितने भी स्टॉप लॉस हैं मंदी वालों के, वो सब कटते हुए नजर आएंगे। बट मुझे लगता है कि 25,950 और 26,000 को अगर वो पार नहीं करता है बाजार, या एक दो बार के लिए, मतलब दो चार मिनट के लिए करता है बात अलग है, अगर 26,000 के ऊपर बाजार टिक गया आधा एक घंटा, तो फिर शॉर्ट्स वाली पोजिशन ट्रैप हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार सुबह नीचे चला जाए तो वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 25,550 25,600 के आसपास, और या तो बाजार वहीं पे निबड़ जाएगा या हो सकता है कि लास्ट के आधे पौने घंटे में एक रिकवरी आ जाए। और बाजार क्या है कि अगर वहाँ पे जाता है तो कल एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाएगा, फिर बाजार बुधवार को शायद थोड़ा सा, क्योंकि बुधवार की छुट्टी है, फिर बृहस्पतिवार को फिर एक नॉर्मल वे के अंदर बाजार शायद चलते हुए नजर आए। तो ये जो स्पेकुलेटिव मूव था ये उसका रिएक्शन अभी हमें लग रहा है। अगर बात करें आज जो शेयर्स चल रहे थे, तो आज मेटल्स में तेजी थी और जो कमजोरी थी वो ICICI, HDFC और रिलायंस में थी। अब आप कहोगे सर मेटल में तेजी क्यों थी? भैया मेटल की तेजी आप देख लो चाइना के इंडेक्स, चाइना में जो बेल आउट पैकेज आया है वहाँ पे जो इंडेक्स बढ़े हैं आज 10-10% चाइना के जो इंडेक्स, अब उसकी बदौलत भैया चाइना अगर ग्रो करेगा तो उसको, तो सबसे खास बात आपने ध्यान रखनी है कि मेटल्स की कंजम्पशन होगी। तो जैसे ही चाइना में ग्रोथ की बात होगी वैसे ही मेटल स्टॉक्स, चाहे वो स्पेकुलेशन माली है, वैसे तो फंडामेंटली भी इम्प्रूव होते हैं, लेकिन ये वैल्यूशन वाइज अगर हम बात करें तो कोई बहुत सस्ती वैल्यूशन पर नहीं है मेटल स्टॉक भी। लेकिन बट एक नेचुरल था कि भाई अगर चाइना ग्रो करेगा तो मेटल पैक तो चलना ही था, तो आज मेटल पैक चलने का रीज़न भी बता दिया मैंने आपको। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी नेगेटिव वाले साइड पर थी। जहाँ तक बात करें तो आज जिन शेयर्स में तेजी थी वो एक सरप्राइज अलग था LTI माइंडट्री, तो बाकी वैसे ही सेक्टर में अभी इतना कोई अच्छा पॉजिटिव रुझान था नहीं, बट IT में एक LTI माइंडट्री अच्छा कर रहा था। उसके बाद अगर हम देखें तो हीरो मोटोकॉर्प हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, एक्सिस बैंक हो, महिंद्रा हो, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, सब कमज़ोर थे। उसके बाद निफ्टी बैंक 52987 जो दोनों हैवी वेट थे वो नीचे चले। अब देखिएगा बैंक निफ्टी ने तो वो दायरा छू लिया जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलनी थी, लेकिन अगर 52,800 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि यहीं पे कल एक्सपायरी का दिन है, यहीं पर टाइम बिता दें। बट अगर 52,800 टूटता है तो भी ये देखिएगा पूरा जो एरिया है 52,500, 52,600, 52,700, ये बहुत तगड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन पहले भी हुआ है, तो यहाँ पे एक बाइंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। और नीचे अगर बाजार मारना भी चाहेगा तो बार बार स्काइप जो है आपको मिलती रहेंगी कि नीचे से बाजार जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा बार बार। लेकिन 52,800 टूटने के बाद बाजार में फंडामेंटली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन टेक्निकली एक वीकनेस आ जाएगी, फंडामेंटल रीजंस मैंने पिछली वीडियो में बताया। और बैंक जो है अब प्रोविजनल डेटा का इंतज़ार करेगा,
हालांकि ये जो मूव लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये जो मूव है इसलिए लग रहे हैं कि सबको लगा मंथली एक्सपायरी के बाद 3 दिन है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, तो भाई 3 दिन में क्या होगा। लोगों ने दब के ऑप्शन बेची, और क्योंकि बाजार इतना तेज था कि लोगों को लग ही नहीं रहा था कि यार 2 दिन में 1200 पॉइंट बाजार टूट जाएगा, तो लोगों ने जो पुट बेची है 53,000 की, वो भी फंस कर खड़ी हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार कल शायद एक बार 52,500 के जो पुट राइटर्स हैं उनको भी डरा है। तो बाजार का जो पूरा सेटअप लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कल भी एक ऊपर से तो एक बार तो गिरावट जरूर आएगी। अब वो सेकेंड हाफ में संभलने की चांसेस हैं, बट क्योंकि FNO की ट्रेड से मैं बोल रहा हूँ, सट्टे की जो तीसरी आँख है ना, वो हो सकता है ना भी बढ़ने दे, और वो बढ़ेंगे भी तो वो 3, 5, 3, 10 के बाद ही मूव आ सकते हैं। तो तब तक वो ऑप्शंस के प्रीमियम कल वाले सुहा हो चुके होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कल भी जो आज जिस तरीके से 2 दिन से बाजार गिराया है, और जो ये सब सट्टे की ट्रेड्स हैं, तो जो FNO के अंदर जो ट्रेड्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि कल सुबह खुलते से फिर नीचे मारेंगे देखिए। और हो सकता है कि अगर 52,800 टूटता है तो 52,500 तक और 500 के आसपास तक के दायरे आ सकते हैं, 500 टूटने की भी संभावना बन सकती है, बट 52,500 एक सेफ जोन है जहाँ से बाउंस हम उम्मीद कर सकते हैं। और मेरा आकलन भी था परसों की वीडियो में कि भाई 53,100-52,000 के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए, वहाँ पर बाजार सपोर्ट मिलनी चाहिए, इंट्राडे मिली बट वो फिर टूट ही गई बाद में। तो एक बार 53,100 से बाजार ने बाउंस किया, लेकिन बाद में शाम होते होते नहीं कंट्रोल कर पाया, वहाँ से बाजार टूट गए। और उसके बाद अगर हम आज बात करें कि भाई जो FIs के रेट है, तो FIs ने आज 9,791 करोड़ का माल बेचा है, और ये जो माल बेचा है ये हमें सट्टे का ही लग रहा है, क्योंकि जो खरीदा था उस तरीके से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे US में, तो वहाँ 14,000 करोड़ की बाइंग थी, तो 1,702 करोड़ की जो है इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और 8,819 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो 2 दिन था यहाँ पे जबरदस्त जो है पुट बाइंग हुई थी, उस पुट बाइटिंग में से 13,700 करोड़ बेचा है, और प्रॉफिट भी होगा। तो अभी हमें लग रहा है कि FIs ने अपनी जो पूरी पुट खरीदी हुई है उसकी पोजीशंस नहीं काटी है, तो उसको देख के भी हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है, तो वो हालांकि बैंक निफ्टी परसों काम करेगा, मतलब बृहस्पतिवार को, क्योंकि 2 तारीख की तो छुट्टी है। तो अल्टीमेटली बाजार में अभी हमें हाल फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, और 1-2 दिन के लिए बाजार को हम वीक मान लें, कल के लिए तो स्पेशली वीक लग रहा है। अब नीचे एक बार तो वीकनेस आएगी आएगी, क्योंकि जो ऑप्शन के सोते हैं वो चेक कटने के लिए है, और नीचे से पुल बैक करने की संभावना बनती है, बट चांसेस कम लग रहे हैं। अब यहाँ पे FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स भी, अब स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 26,000 करोड़ की बाइंग थी, तो उसमें से 8,800 करोड़ बेच दिए। तो अब यहाँ पे देखिए 26 सितंबर को 13,000 करोड़ का माल खरीदा था, तो उस 13,000 करोड़ में से 8,819 करोड़ बेच दिए, तो FIs ने लास्ट है। अब देखिए पुट कॉल रेशियो है ना ओवरसोल्ड है बाजार, तो यहाँ पे ना और मंदी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और इंडिया विक्स अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, वो भी नीचे की तरफ है, डाउ जो 100 पॉइंट कमजोरी पे है, ब्रेंट 71 पे चल रहा है, और आज जो 26,000 था मेन लेवल जब वो टूटा, तो उसके बाद एक अनवाइंडिंग जो है पुट साइड में ये एकदम बढ़ गई, और 26,000 टूटते के साथ यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए। तो अब 26,000 शायद इस मंथली एक्सपायरी, सॉरी इस वीकली एक्सपायरी में पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और अब हमें लग रहा है कि 25,800 की जो सपोर्ट है वो बाजार शायद कल तोड़ ना दे, और वो टूटता है तो फिर 25,600, 25,550 के आसपास जो है एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आनी चाहिए, वहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक भी इंट्राडे में पॉसिबल है। निफ्टी के बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में मेजर फॉल तो सुबह से ही हो गया था, लेकिन जो राइटिंग है वो 53,400 के आसपास है, और उसके बाद अगर हम देखें तो 53,000 पे, लेकिन ये जो चीज़ है 53,000 पे पुट राइटिंग भी अच्छी है, और कॉल जो पुट के राइटर्स हैं वो 53,100, 200, 300, 400, 500 हर जगह अनवाइंड करते हुए नजर आए, लेकिन 53,000 पे पोजीशंस बनी है। 52,800 जो मैं टेक्निकली भी एक्सपोर्ट मान रहा हूँ, वहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग आ चुकी है। अब 52,800 टूट गया अगर कल, तो 52,500 पर थोड़ा सहारा मिलना चाहिए, बट यहाँ पे बाजार जब उस तरीके से ओवरसोल्ड होगा, तो टेक्निकल पॉसिबिलिटी है कि भाई इंट्राडे में कल बाउंस कर ले, या बैंक निफ्टी अगर यहीं पे सेटल हो जाता है तो हो सकता है कि आपको थर्सडे में रिकवरी कर ले। तो बट निफ्टी बैंक में एक चीज़ है
कि ये जो गेम चल रहा है वो सट्टे का चल रहा है, और सीधी बात है फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही दिन में आ रहे थे। तो बड़े प्लेयर ने सोचा, उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि जहाँ पे पूरा महीना सब लोग मंदी खेल रहे हैं उसको तेजी में पलट देते हैं और तेजी को मंदी में। बाजार तो वहीं की वहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जी बाजार चलता है तो कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन बाजार गिरता है सब लोग चर्चा करने लगे। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखें कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 4 दिन पहले प्याज 80 रुपये किलो थी और 4 दिन बाद 100 रुपये किलो हो गई। तो ये देखिएगा बाज़ार 80 से 100 हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बाज़ार 80 था, 4 दिन में 100 हो गया, 4-5 दिन में, और 4 दिन बाद लौट के अगले 4 दिन में कि छोड़ो 2 दिन में वापस हुई 80 का भाव आ गया। तो जब 80 रुपये से प्याज 100 रुपये किलो हुई तो भैया सबको लगा बहुत महंगा हो गया, और 100 रुपये से 80 रुपये हो गया तो भैया सबको लगा सस्ता हो गया। बाजार तो वहीं का वहीं है जहाँ पिछले हफ्ते था, बाजार तो वहीं है जहाँ पिछले हफ्ते था। लेकिन क्या है, अब बाजार ऊपर से गिरा है तो वो कमजोरी आपको दिख रही है, तो बाजार में तो अभी कोई कमजोरी हुई ही नहीं है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ पे कल भी जो है ये, क्योंकि एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया 50 to 500 के आसपास, यहाँ पर हमें लगता है कि निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिलनी चाहिए। और एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ट्रेडिंग में अब जो है वोलेटिलिटी बहुत है, आपको स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ेगा, अपने मतलब बहुत मेहनत लगेगी। और जिन लोगों ने अब कल परसों सौदे काट लिए मार्जिन की वजह से, जो मैंने आपको बोला भी था, उनके पैसे चले गए। जो आज तक बैठ गए 2 दिन पोजीशन संभाल ली, तो जो भी पिछले 6-8 दिन में पैसे गए वो सारे के सारे 2 दिन में वापस आ गए। तो अब ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस काटने के बावजूद भी टेक्निकल के हिसाब से भी ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एल्गोस के हिसाब से काम हो रहा है। तो यहाँ पर अपने विवेक का उपयोग करके ही जो है ट्रेड लें। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे भी लगता है कि इंडिया की मार्केट बहुत महंगी है, एक अच्छी खासी जब तक साइजेबल करेक्शन ना हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो बनाने का भी सही समय है। और इतना अच्छा पैसा जो भी हमने 2-3 साल में बनाया उतना भी बन सकता है, उसकी चांसेस तो मतलब ना आके बराबर लग रहे हैं। हालांकि ट्रेड के मौके जरूर आपको मिलते रहेंगे, बाजार अगर थोड़ा सा वो टूटता तो टेक्निकल बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। बट बाजार में इस बार ऊपरी लेवल से एक अच्छा सेल ऑफ आया है, तो हम देखते हैं कि भाई कंसोलिडेशन 2-4-5 दिन चले, उसके बाद किस तरफ बाजार चलता है। कल के लिए हमारा आउटलुक यही है कि बाजार शायद जो है टेक्निकल सेटअप खराब हो गया तो एक बार बाजार नीचे घुस जाए, और नीचे घुसने के बाद क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो वो जिन्होंने भी अब 1-2 दिन में पैसे बनाए तो हो सकता है कि ऊपर से तेजी में से मंदी बनाई है, तो उस मंदी में अपनी कल की पोजीशन को जब शाम को स्केयर ऑफ करें तो हो सकता है कि टेक्निकल बाउंस आपको देखने के लिए मिल जाए। बट जो सट्टे की तीसरी आंख है वो तो कोशिश करेगी एक बार नीचे लगा दिया तो उसको उठना ही ना दे। बट DIs का जो फ्लो है वो काफ़ी मजबूत है, तो DIs ने आज भी जैसे 6,000 करोड़ की बाइंग की है, तो हो सकता है कि हमें सेकेंड हाफ में एक बाउंस मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।